अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी इमेज को जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, अगर आपके पास कोई इमेज हो जिसको आपने अपने मोबाइल से कैप्चर किया हुआ हो और वो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, आप चाहते हैं कि मैं उस इमेज को जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो इट्स क्वाइट इजी। तो चलाइए आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट की हुई है जो मैंने अपने मोबाइल से कैप्चर की हुई है। ठीक है, ये एक टेक्स्ट बुक की पिक्चर है और मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं इस इमेज को जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में रहते हुए जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, टेक्स्ट में क्यों कन्वर्ट करना चाहता हूँ, टेक्स्ट में इसलिए कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि इसमें अगर मुझे कुछ मजीद कोई चेंजिंग करनी है तो मैं इजीली कर सकूँ। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि आपको आपकी इस फाइल को जो कि वर्ड की फाइल है उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, पीडीएफ में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम किसी भी पीडीएफ फाइल को इजीली जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हमको सबसे पहले इसके अंदर ये करना है कि अपनी इस वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। सो हियर आपको सिंपली फाइल में जाना है और फाइल में जाके आपको उसको सेव एज करना है, ब्राउज करना है इसको, और कहीं भी आप अपनी लोकेशन में जो बेस्ट हो आपके सिस्टम के अंदर जहां इसको सेव करना चाहते हैं आप सेव कर दें। मैं अभी फिलहाल के लिए इसको डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूं। इसका कुछ भी नाम रख दें जो आप नाम रखना चाहते हैं। मैं रख रहा हूं इसका नाम इमेज टू टेक्स्ट, जो आप रखना चाहते हैं जो आपको ठीक लगता है वो आप रख लें। और जो इसकी सेवेस टाइप है उसको आपको वर्ड डॉक्यूमेंट से चेंज करके अब पीडीएफ में आपको इसको चेंज करना है और आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। तो ये आपकी वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको सिंपली करना ये है कि दोबारा आपको फाइल में आना है, या तो फाइल में आ जाए। देखिए आप, इसने मेरी वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको सिंपली करना ये है कि आप या तो कंट्रोल ओ प्रेस कर दें जो कि शॉर्टकट की है किसी भी फाइल को ओपन करने का, या सिंपली आप फाइल में आ जाएं और फाइल में आने के बाद आपको करना है इसको ओपन। किसको ओपन करना है, जिसको आपने अभी पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ब्राउज करेंगे, उसी फाइल को आपको ओपन करना है जो आपने अभी जस्ट अभी सेव की है, जिसको आपने पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है। तो सिंपली मैंने डेस्कटॉप में उसको जो है वो इसको सेव किया था, तो मैं सिंपली जो है वो अपने डेस्कटॉप के अंदर आऊंगा और मैंने इसका नाम रखा हुआ था इमेज टू टेक्स्ट, जो कि हीरा यहाँ पे है। मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा और इसको मैं ओपन करूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करेगा ये कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरी पीडीएफ की फाइल को जो है वो अब टेक्स्ट में जो है वो मुझे ओपन करके, मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करके मुझे जो है वो दे देगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा मेरी इस पीडीएफ की फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए और ये पे मुझे कर देगा। अच्छा, इसने मुझे एक नोटिफिकेशन दिया है कि वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ टू एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, दिस मे बी टेक अ व्हाइल, द रिजल्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट विल बी ऑप्टिमाइज्ड टू अलाउ यू टू एडिट द टेक्स्ट, सो इट माइट नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक द ओरिजिनल पीडीएफ, स्पेशली इफ द ओरिजिनल फाइल कंटेन लॉट्स ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये करेगा ये कि इससे जितना बेस्ट हो सकेगा आपकी पीडीएफ की फाइल को जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे देगा जो एडिटेबल होगा। तो सिंपली मैं इसको क्या करूंगा, इसको ओके करूंगा। मैं जैसे इसको ओके करूंगा तो ये मेरा जितना भी पीडीएफ का कंटेंट था जो कि इसने पीडीएफ में कन्वर्ट किया था उसको ये क्या करेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। एक और न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी फाइल को जो है वो ये ओपन करके मुझे यहाँ पे दे देगा। ये यहाँ पे इसको लोड कर रहा है, ये इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली। और आपको कुछ ही सेकंड्स में हियर देखें, ये देखें इसने मेरी फाइल को जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपली आपको क्या करना है, व्यू में आ जाए, एडिट डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाए। तो ये क्या करेगा, आपकी जितना भी कंटेंट था जो कि इमेज के अंदर मौजूद था उसने इसको यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहता हूँ, कुछ भी टाइप करना चाहता हूँ, तो देखें जैसे हम वर्ड के अंदर लिखते हैं वैसे ही ये आपको टाइप करके जो है वो यहाँ पे दे देगा। तो आप किसी भी इमेज को जो कि आपने भले मोबाइल से ही कैप्चर क्यों ना की हुई हो उसको आप इजीली जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक और इमेज यहाँ पे ले ली है जो कि मैंने लैपटॉप में टाइप किया हुआ था और फिर मैंने अपने मोबाइल से इसको कैप्चर किया हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि अब इसको भी जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूँ। इट मीन्स कि इमेज है यहाँ पे जिसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सेम प्रोसेस होगा मेरा इसको भी करने का। इसमें एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो विद द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो कोशिश ये करनी है कि आपके इमेज के अंदर कोई पिक्चर्स हो तो ये हो कि अगर वो क्रॉप हो सके या रिमूव हो सके तो उसको रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि समटाइम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको फिर कैश नहीं कर पाता और टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो
जितना मैक्सिमम आपका इमेज के अंदर टेक्स्ट होगा उतना बेस्ट आपको ये जो है वो रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा सिंपली कि मैं दोबारा फाइल के अंदर आऊंगा, फाइल के अंदर आने के बाद इसको सेव करूंगा। सेव किस में करूंगा, मेरे पीडीएफ के अंदर ब्राउज करूंगा इसको, और इसको जहां आप सेव करना चाहते हैं आप सिंपली सेव कर दें इसको। तो ठीक है, और मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ सिंपली पीडीएफ में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने सेव किया सिंपली, ये मेरी फाइल को वैसे ही सेव करेगा। अब सिंपली मैं दोबारा अपने वर्ड पे अगर आ जाऊँ और मेरी फाइल को कंट्रोल ओ कर रहा हूँ मैं, मैंने मुझे कंट्रोल ओ किया और मुझे दोबारा अपनी इस फाइल को मुझे क्या करना है सिंपली यहाँ पे ओपन करना है। तो मैं डेस्कटॉप में ही अभी जो है वो मौजूद हूँ। हीरा इमेज टू टेक्स्ट टू ओपन किया मैंने, दोबारा ही मेरे पास वही नोटिफिकेशन मांगेगा। आपको सिंपली क्या करना है, इसको ओके करना है। आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी उस इमेज को जो है वो टेक्स्ट में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ओके करें सिंपली, ये आपकी फाइल को अब यहाँ पे लोड करेगा, आपकी इमेज को, आपकी पीडीएफ की फाइल को यहाँ पे लोड करेगा और ये आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको दे देगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करके जो है वो अपनी इमेज को जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बहुत आसान तरीका है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे से हमारी सॉफ्ट फाइल जो है वो या तो रिमूव हो जाती है हमारे सिस्टम से, या हमें मिल नहीं रही होती, या हमारे पास कोई ऐसी हार्ड कॉपी होती है और हम ये चाहते हैं कि हम उसको जो है वो सॉफ्ट कॉपी में लेके आ जाएं। तो इट्स क्वाइट इजी, बहुत आसान तरीका है अगर हम ये करना चाहें तो। सिंपली ये देखें, ये मेरे पास इमेज थी और अब मैं इसमें कुछ भी एडिटिंग करना चाहता हूँ तो मैं बहुत ईजिली इसके अंदर जो है वो एडिटिंग कर सकता हूँ। इसने मेरी पूरी इमेज फाइल को जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देती है। अगर मैं इसमें कुछ रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रिमूव भी कर सकता हूँ बहुत इजीली, और मैं कुछ यहाँ पे अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ बहुत आसानी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।